73वां अध्याय जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं के विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे, वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुख सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। चार भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित है। वक्ष स्थल पर सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रतनारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े, करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्र से उन्हें पी रहे हैं, जीव से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रख कर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभो, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, हमारे स्वामी, हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, ये तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की, कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है, जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे, इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है, वो इतना बलवान है कि किसी के टाले नहीं टलता, क्यों ना हो, वो आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया, अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो, ये शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है, रोगों की तो ये जन्मभूमि है ही, अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि हम मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या हैं। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्गादि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है।
क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ती हैं। अब हमें कृपा करके आप वो उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी ना हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। ये जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वो सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग श्रृंखल और मतवाले हो जाते हैं। हाय हाय नहुष, वीण, रावण, नरकासुर आदि अनेक देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से, पद से च्युत हो गए। तुम लोग ये समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है, अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रिय को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो, अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को ये आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव ने उनको राजोचित वस्त्र आभूषण, माला, चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके, तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञा अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण
भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिससे उनके ईष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वो सब कृत्य कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके।